और एक काम करे, कीचड़ में नहाए, कभी कीचड़ में नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भी गाइस, फिलहाल सुबह सुबह उठ गए हम, बिकॉज आज हमको जाना है खेत में काम करने के लिए। आज हमारे खेत में काम है, आज हमारे खेत में ना रोपाई है, तो चलते हैं। हमारा फेवरेट काम रोपाई में बहुत मज़ा आता है, बचपन में भी करते थे हम, तो हाँ आज भी करेंगे। तो चलो चलते हैं, फिलहाल उठ गए, मतलब कल रात भर मस्त सो रखे थे यहाँ पे। रात को यहाँ से जो मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है ना भाई, भाई सच बोलो, यहाँ से रात को इंटरनेट आता है ना कि हवा नहीं, हवा भी आती है भाई। हवा तो आती है लेकिन साथ में इंटरनेट भी आता है, तब सोते हो यहाँ। नहीं, इंटरनेट भी आता। गाइज आप सोच सकते हो, अभी जून चल रहा है और मैं यहाँ पे देखो बिना एसी बिना पंखे के सोता हूँ, वो भी इस विंडो की वजह से। विंडो से मतलब इतनी एसी वाली नेचुरल एसी की हवा आती है, ठंडी ठंडी विंडो से भाई, जो मजा आता है ना रात को यहाँ पे, जो सुकून की नींद, ठंडी मीठी मीठी हवा आती है, ना कोई पंखा ना कोई एसी, इतना अच्छा लगता है ना। हाँ बिल्कुल नेचुरल, पहाड़ों की मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। और यहाँ पे मेरे सारे देखो भसड़ मची पड़ी, सारा सामान पड़ा हुआ है। तो अभी हम कीचड़ में जाने वाले हैं, कीचड़ में होते हैं ना रुपाई, तो गाइस रेडी है जाने के लिए। बाकी सब तो पहले चलेंगे, अब सौरदर में जाएंगे लास्ट में। चलो कौन से खेत में जाना पता है? हाँ बड़े पापा बता के गए थे, आपको नहीं पता? आराम से बैग गिरेगा, बैग में सामान है। हाँ बैग की चिंता मेरी नहीं है, क्या इतना बुरा हूँ मैं। पक्का यहीं से जाना है? हाँ। अभी पता नहीं है ना किस खेत में है रुपाई हमारी, बोरा खेत वहाँ पर बड़े पापा दिख रहे हैं। आराम से बैग नहीं गिरना चाहिए। गाइस क्या मस्त लाइफ है, सुबह उठते सीधा खेत में। तो हमको जाना है वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे। तो गाइस हमें जाना है यहाँ से नीचे से घूमते 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 नदी के किनारे से सीधा वहाँ से खेत में। इतना लंबा रास्ता करना पड़ेगा, बट चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली पहुँच चुके अपने खेत में। तो यहाँ पे अम्मा चाची पापा जी भी हैं, पीयूष भी आ गया, और मस्त काम करेंगे अब। तो पहले तो धान को निकालेंगे हम, तो धान के बीज हैं इनको निकालेंगे, फिर इनको दोबारा लगाएंगे। एक काम करते हैं, पहले ड्रोन उड़ा देते हैं, पहले ड्रोन से दिखा देते हैं। तो आज पूरा दिन इसी खेत में काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले ड्रोन उड़ा देते हैं, ड्रोन से दिखाता हूँ क्या भाई किसने रखा। खाने पीने का जुगाड़ भी दोनों के ना। तभी एक एक करके सभी आ रहे हैं काम करवाने के लिए, ओनली हम ही नहीं करेंगे, सारे गाँव वाले मिलकर एक खेत में काम करते हैं, वहाँ पे रखा जाएगा। तो आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आएंगे। तो अब मैं भी जाता हूँ, उनका हाथ बढ़ाता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ यार, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मुझसे नहीं होगा। और देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं गाँव के, ऐसे नहीं कि हमारा खेत हो सिर्फ हम ही काम करेंगे, तो गाँव में सभी हेल्प करते हैं। लाइक आज हमारे खेत में रोपाई है तो सभी आएंगे और हमारे खेत में करेंगे, ऐसे ही अगर किसी और के खेत में होगी तो वहाँ पर सभी आएंगे और ऐसे होता है काम। ओनली ऐसा नहीं कि हमारा खेत है तो हम ही काम करेंगे। तो पीयूष अपना मस्त लगा पड़ा है यहाँ पे निकालने में बिनौड़ा। सबसे पहले तो लोअर ऊपर करनी पड़ेगी कीचड़ में जाने के लिए। तो अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए खेत में। तो आदमी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, औरत लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बच्चे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भाई अम्मा अपना मस्त लगी पड़ी है, चाची भी। गाइज यहाँ पे ना बहुत शोर हो रहा है, सब अपने गप्पे लड़ाने में लगे हैं, इसी तरह से होता है यहाँ पे खेत में काम करते करते ना, सारे गप्पे लड़ाते रहते हैं, सारे गप्पे लड़ाने में लगे, इतना शोर हो रहा है ना यहाँ पे। मुझ पर कोई ध्यान दे रहा है, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। भाई देखो कितना भाई बहुत गलत कर रहे हो, सबसे गलत कर रहे हो। तो गाइज आपको इनकी बातें सुनाता हूँ, भाई अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन पहाड़ी में बोल रहे हैं ना। क्या बातें कर रहे हैं? हमको तो समझ आ रहा है। ओ भाई खतरनाक बातें चल रही है इनकी, तो मजा आ रहा है सुन के। आपको समझ में आएगी लेकिन हमको तो समझ में आती है ना पहाड़ी, हमको समझ में आती है। तो ये पानी हमने लगा रखा है नदी से, तो वहाँ पे नदी है ना, तो नदी से पानी आ रहा है। देखो पहाड़ों में तो ऐसी नदी से लेना पड़ता पानी। अरे मत कर। तो गाइस देखो अभी हमारा खेत बिल्कुल खाली हो चुका है, यहाँ से हमने सारे पौधे निकाल दिए। तो ये रहे वो सारे, तो इनको एक एक करके निकाल के दोबारा इनको प्लेस करना है यहीं पर। अब होगी मेन रुपाई,
अब यहाँ पे एक एक प्लांट लाएंगे अच्छे से और पूरा भर देंगे इसको। अभी देखो पूरा खाली कर दिया है, अब भरेंगे। पहले खाली करते हैं फिर भरते हैं। अरे मेरे ऊपर नहीं भाई, देखियो पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे ऐसे मत कर यार, ये देख। अरे बता रहे थे कि ऐसे मत कर यार, ऐसे मत कर। पापा जी देखना इसको भाई, ये गिरेगा, ये गिरेगा आज। अरे नहीं, ओए कैमरे के ऊपर आ गया। और ये काम करे, कीचड़ में नहाए कभी? कीचड़ में नहीं। कीचड़ में लेट गया, ये सही है भाई। पहले कीचड़ में नहाओ फिर पानी से नहाओ। भाई बचपन में हम भी ऐसी करते थे, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आ गया भाई। भाई पीयूष को देख के अपने बचपन के दिन आ गए। बचपन में हम भी ऐसी करते थे, यहाँ पे कीचड़ में कीचड़ मारते थे एक दूसरे को। साहिल और मैं कीचड़ मारते थे यहाँ पे पानी में। कभी क्या, कभी केचुआ पकड़ रहे हैं, कभी क्या पकड़ रहे हैं। बचपन के दिन याद आ गए। तो भाई गाइस पीयूष की हालत खराब हो गई, इसको ठंड लग गई बहुत ज्यादा। अब जा रहे घर कपड़े चेंज करने के लिए। आगे स्वाद तो पीयूष तो क्या कपड़े चेंज करने के लिए, अब हम चलाएंगे ये ट्रैक्टर। तो पहाड़ों में ना इस तरह का ट्रैक्टर होता है, बड़े वाले ट्रैक्टर नहीं होते, तो ये ट्रैक्टर यूज होते हैं खेत को प्लेन करने के लिए। पापा जी मस्त काम कर रहे हैं अब। पीयूष आ गया कपड़े चेंज करके, तो हाँ ठीक है। और यहाँ पे रोपा लगना भी शुरू हो चुका है भाई, इतनी जल्दी देखो यहाँ पे लगा भी दिया इतना सारा। तो गाइज अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है मिट्टी। गाइज हमारी मिट्टी ना खराब होती जा रही है दिन बर दिन। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ सालों के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बिकॉज लाइफ में जो भी चीज़ हम खाते हैं सब कुछ मिट्टी से ही आती है। अगर मिट्टी खराब हो जाएगी तो फिर हमको खाना भी नहीं मिलेगा। तो गाइज जैसे कि आप सबको बताया, सदगुरु जी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो भी बाइक पे, वो भी सेव सोल मोमेंट के लिए, ताकि हमारी मिट्टी बच सके। तो वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सभी आगे आ रहे हैं, सभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं भी सौरभ जोशी सदगुरु जी के साथ में सेव सोल मोमेंट का हिस्सा बन चुका हूं। तो आप भी चेक करना savesoil.org पे, क्योंकि अब कुछ भी पहले ऐसा नहीं रहा। पहले जो भी हम चीज़ें खाते थे, जो फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे, उनमें जो प्रोटीन मिलता था, उनमें जो टेस्ट आता था, वो अब नहीं रहा। वो हमको खुद फील होता है क्योंकि हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो हाँ, इसमें आप चेक करना। तो गाइस सभी के सभी खेत में इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो चलते हैं इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं, इनको भी खुशी होगी ना। चलो सब काम कर रहे हैं मस्त। भाई पैरों का चप्परों का हाल देखो हमारा क्या हो गया। भाई सब्सक्राइबर ने इतनी दूर से पहचान लिया हमको, भाई इतनी दूर से आवाज़ लगाई, मैं क्या आ रहा हूँ भाई खेत में ही आ गए। तो ये हमारे गांव की दुकान, कोल्ड ड्रिंक है? कोल्ड ड्रिंक है, दे दो कोई भी, दे दो, दे दो। नहीं वो नीचे है जो लेफ्ट में स्लाइस, हाँ ये दे दो, ये दो ले लो फिर। चलो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया हमने, अब चलते हैं। गिराइयो मत भाई। तो अब हमको जाना है वहाँ पे, देखो इतनी दूर वहाँ पे खेत के रास्ते ही जाएंगे। देखो ये रास्ता होता है यहाँ पे खेत में, कौन सा चीज़ दोनों में से बताओ। अरे माजा, माजा देखो। इतना बाकी है बस, उतना तो हो गया। देखो अब एक घंटे में कंप्लीट कर देंगे खेत को। हम जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए, बिकॉज गर्मी लग रही है यार, नहाने का मन, सुबह से नहाया भी नहीं है, कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरी बॉडी में। यहाँ कर सकते कैंपिंग? हाँ यहाँ से 200 मीटर तो हमारा घर है, कैंपिंग करेंगे। तो फाइनली गाइस नदी में पहुँच चुके हैं, अब यहीं नहाते हैं। सुबह हम बिना नहाए धोए आ गए थे, पानी तो मस्त है, गहरा भी है, साफ भी है। मैं तो मारा डुबकी। जलपरा बन गए। इधर आओ ना, बीच में आओ, बीच में आओ, बीच में आओ। तो भी गाइस पोपट हो गया, जैसे हम पानी में घुसे वहाँ पे कुछ और लोग आ गए, कुछ बच्चे, तो फिर मैं निकल गया पानी से, फिर थोड़ा बहुत तो नहा ही लिया। तो भी गाइस घर पहुँच चुके हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हमने, अब चलेंगे कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हमने, मार्केट चलेंगे। चलो भाई, इतनी ज्यादा भूख लगी है ना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से खेत में भी काम किया है, घर में खाना बनानी है क्योंकि सभी खेत में गए हैं। तो भी गाइस मार्केट पहुंच गए हैं और देखो मार्केट में देखो बिल्कुल शांति। भाई पेट्रोल पंप पे भी कोई नहीं है, आई थिंक सारे खेत में गए हैं। तो गाइस मैं छोले चावल तो आ गया, मैं छोले चावल मंगाया था और पापा जी ने दाल चावल। तो गाइस फाइनली खाना पीना खा आ चुके हैं, मस्त मजा आ गया, अब चलते हैं गांव। तो गांव भी पहुंच गए, तो फाइनली अम्मा भी आ चुके हैं खेत से। खेत काम कंप्लीट? कंप्लीट। अब चलोगे हल्द्वानी? हाँ चलो। कब? कल चलें? नहीं कल नहीं यार। फिर अम्मा खेत में काम करती कुछ ना खुशी रहती ना, हल्द्वानी बोर हो जाती है अम्मा, बोर। तो गाइस आज का दिन भी खत्म, आज आपने देखा हमने खेत में काम किया, काफी मस्त लगा। तो फिर अभी खाना भी खा लिया है, अब फिर आम खाते हैं, एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हाँ फिर आज इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार मुझे करना था। Bye.
भाई नहीं 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 मत कर, अरे मेरे ऊपर भाई मेरे कपड़े भी खराब कर दिए तूने। तो आप भी लड़ जाओ, मस्त मजा आ जाएगा, दोनों भाई लड़ जाएंगे। मेरे कैमरे के ऊपर, चश्मे के ऊपर, सब जगह कीचड़ हो गया, कपड़ों के ऊपर, सब जगह।